everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about some of the important GST MCQs we are going to discuss. मैंने काफी सारे important MCQs यहाँ पे लाए हैं, 15 MCQs हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके वजह से आपके काफी सारे MCQs का प्रिपरेशन साइड बाय साइड चलता रहेगा. बिकॉज GST पूरा इनडायरेक्ट टैक्स में यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, और अपने आप में कहीं ना कहीं MCQs प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन MCQs के वजह से आपका थ्योरेटिकल बेस भी क्लियर हो जाएगा, जो आपके थ्योरी के लिए भी आपको यूज हो सकता है. सो दिस इज द लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम GST, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट GST MCQs. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें से क्लियर हो जाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिनेशन ऑफ द गुड्स अंडर GST एक्ट डज नॉट इंक्लूड. तो गुड्स के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं किया गया? ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. सो इसका राइट आंसर बनेगा मनी एंड सिक्योरिटीज, बिकॉज मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स अंडर GST. सो फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको याद रखें कि गुड्स के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं किया. तो अभी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि गुड्स के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड करते हैं. तो ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स आर बीन इंक्लूडेड. द सेकेंड क्वेश्चन इज द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स. तो ट्रांजेक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? दी ऑप्शंस आर सब्सिडीज, इंसिडेंटल चार्जेस, टैक्सेस, ड्यूटीज अदर देन GST. तो सब्सिडीज भी इंक्लूड किया जाता है, इंसिडेंटल चार्जेस भी. इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब होता है एडिशनल चार्जेस. टैक्सेस, ड्यूटीज अदर देन GST, तो टैक्सेस, ड्यूटीज अदर देन GST भी इंक्लूड किया जाता है. तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल इज. हियर आर द ऑप्शंस, वेरी इजी क्वेश्चन एंड एवरीबडी माइट बी नोइंग द आंसर फॉर दिस. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वन सिलेक्टेड पर्सन अमॉन्ग्स द स्टेट एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन. तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस दैट द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल इज, द चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. तो जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, ही और शी विल बी द हेड. अभी फिलहाल देखा जाए तो निर्मला सीतारमन इज द हेड ऑफ द GST काउंसिल. नेक्स्ट इज GST इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. तो GST किसके ऊपर बेस है? मैंने आपको बहुत बार बताया है GST हमारा जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. तो डेस्टिनेशन बेस, इसका आंसर बन जाएगा द सप्लाई, मैन्युफैक्चर, कंजम्पशन या डेस्टिनेशन. तो ऑप्शन बनेगा इसका राइट आंसर है डेस्टिनेशन. IGST means tax levied under IGST Act on the supply of any goods and or services in the course of dash trade of commerce. देखो ये पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए दो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए. मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक है इंट्रा स्टेट और दूसरा है इंटर स्टेट. दोनों कंसेप्ट आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते. इंट्रा का मतलब होता है विदिन या सेम स्टेट, और इंटर का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट. अभी विदिन रहेगा, सेम स्टेट रहेगा, तो दो टैक्स लगता है, CGST एंड SGST. और अगर आउटसाइड द स्टेट रहा तो एक ही टैक्स लगता है IGST. अभी सम स्टूडेंट विल से दैट UTGST कब लगेगा? तो अगर UTGST कब लगेगा, जब यूनियन टेरिटरी आएगा, तो अब यहाँ पे S के जगह पे UTGST हो जाएगा. सो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपको ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया होगा तो भी आप इसको आंसर इजी तरीके से कर सकते हैं. द ऑप्शंस आर इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, बिजनेस एंड इंटरनेशनल. देखो IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन से केस में हमने देखा यहाँ पे? दैट इज इंटरस्टेट. तो इसका राइट आंसर बनेगा इंटरस्टेट. ओके, सो दैट वॉज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देन सिक्स क्वेश्चन देखते हैं. सर्विसेज रेंडर्ड बाय एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल. तो सर्विसेज किसने दिए हैं? एजेंट ने दिए हैं. किसके बिहाफ पे दिए हैं? प्रिंसिपल के बिहाफ पे दिए हैं. तो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे? रेंडर्ड बाय एजेंट ट्रीट करेंगे, आइदर एजेंट और प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे, प्रिंसिपल ट्रीट करेंगे, या नन ऑफ द अबाउट ट्रीट करेंगे. तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर है. क्वेश्चन बोल रहा है बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो किसके बिहाफ पे दिया था? प्रिंसिपल के बिहाफ पे दिया था. तो राइट आंसर बनेगा प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अंडर रिवर्स चार्ज द लाइबिलिटी टू पे ऑन सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज
इज ऑन। तो रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी किसके ऊपर होती है ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, मैंने आरसीएम के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आपको, उसमें हमने कॉलम भी बनाया था रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिडक्टर हैज टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट -% फ्रॉम द पेमेंट मेड और क्रेडिटेड टू द सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स। देखो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर, जहाँ पे भी परसेंटेज पूछे जाएंगे, जहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी नीड टू रिमेंबर। तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि डिडक्टर जो है उसको कितना परसेंट टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है, उसको 1% टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा और क्रेडिट करना पड़ेगा टू द सप्लायर, ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नाइन्थ नंबर। एवरी डिपॉजिट मेड टूवर्ड्स टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट फी और एनी अदर अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू। तो ये कहाँ पे क्रेडिट होगा? तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो क्रेडिट कहाँ पे होने वाला है, क्रेडिट होगा मतलब हमारा जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा। तो उस बेस पे भी आप इसको ऑप्शंस के साथ देख सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट लेजर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। तो वॉट एवर डिपॉजिट्स आर मेड टूवर्ड्स एनी काइंड ऑफ टैक्स, एनी काइंड ऑफ पेनल्टीज, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट फी विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। CPIN स्टैंड्स फॉर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू नीड टू रिमेंबर अगेन। तो CPIN एक एब्रिवेशन दिया है, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन पैन आइडेंटिफिकेशन नंबर, चलान पेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, चलान पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको एब्रिवेशन का पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट इज अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू CGST, SGST, IGST या नन ऑफ द अबव। तो रिमेंबर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट अंडर GST, इट इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ GST। ऐसा क्यों? अगर अल्कोहलिक कंजम्पशन जो है, अल्कोहलिक लिकर जो है वो अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउ किया गया है, तो आपको सबको पता है कि GST में हाइएस्ट रेट ऑफ टैक्स कितना है, 28%। तो लीकर के ऊपर फिर 28% GST लगेगा एंड लीकर और सस्ता हो जाएगा, दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी। दैट इज वाई अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट अंडर द परव्यू ऑफ GST। तो इसका राइट आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी एक अभी अपने आप में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया है, द फॉर्म यूज फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? तो आपको मैं बता के रखता हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म यूज होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो GSTR 1, GSTA 1, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 1, GST रजिस्ट्रेशन, तो ये तो है ही नहीं। तो इन तीनों में देखो, हम देखें तो ध्यान से, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 1, तो इसका राइट आंसर बनेगा फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर GST लॉ वेयर हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स। यू माइट बी नोइंग ये रूल्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके लिए दो लिमिट थे, एक था 40 लैक्स का लिमिट एंड दूसरा था 20 लैक्स का लिमिट। 40 लैक्स का लिमिट गुड्स के लिए, 20 लैक्स का लिमिट सर्विसेज के लिए है। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्लियरली इन्फॉर्म नहीं किया गया कि द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट गुड्स और सर्विसेज, एंड इन द ऑप्शंस आल्सो वी आर हैविंग 40 लैक्स एंड 20 लैक्स। तो इसका राइट आंसर बनेगा आइदर ए और बी, एज द केस में भी, जैसा भी केस रहेगा उस बेस पे हम इसकी लिमिट ले लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। तो आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एंड हियर आर द ऑप्शंस। तो ये भी आपको याद रखने वाला क्वेश्चन है, विद इन 5 days फ्रॉम द कमेंसमेंट, विद इन 60 days फ्रॉम द कमेंसमेंट, एटलीस्ट 15 days प्रायर टू द कमेंसमेंट और एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट। तो राइट आंसर फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज एटलीस्ट 5 days prior to the commencement of the business. So at least 5 days prior to the commencement of the business, usko registration lena compulsory ho jayega. Aaj ka last question dekhte hain.
The tax deducted has to be paid to the government within dash days after the end of the month in which deducted. तो कितने दिन के अंदर टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है उस जैसे ही वो टैक्स को हम डिडक्ट करें. ये ऑप्शंस आर 7 days, 10 days, 15 days एंड 20 days. तो अगेन दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन विच वी नीड टू रिमेंबर. इसमें याद रखने का ही कंसेप्ट है. तो इसको आपको याद रखना है, जब भी हम टैक्स डिडक्ट करेंगे तो उसके बाद हमें 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करना है. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 days. सो दिस वेर द 15 क्वेश्चंस विच वी हैव डिस्कस टूडे. आपको अगर ये सारे MCQs पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले. मैं ऐसे ही सेशंस और इंटरेस्टिंग MCQs जिसकी वजह से आपके सारे के सारे MCQs का साइड बाय साइड प्रैक्टिस होते रहे और उस MCQs की वजह से आपके थोड़े से थ्योरेटिकल बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे. तो ये जो आज का वीडियो है उसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ. अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सो दैट उसको सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. और ये PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ. अगर आपने टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, डाउनलोड करें टेलीग्राम ऐप और लास्ट मिनट रिवीजन विद RSM में ज्वाइन हो जाए. सो दैट यू विल रिसीव ऑल द PDFs, ऑल ऑडियोज, ऑल लिंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट देयर. एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.